हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत करता हूँ। फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो स्पेशली जो है जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर का डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल टॉपिक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके डिग्री कोर्स में जो है कल्टीवेशंस रहते हैं, कल्टीवेशंस में रहते उनको इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट्स में से एक पॉइंट में आपको यहाँ पर आज बता देने वाला हूँ। वो पॉइंट है हमारा पिंचिंग का। व्हाट इज पिंचिंग, पिंचिंग मतलब क्या, ये कंसेप्ट, पिंचिंग का कंसेप्ट मैं आपको याद यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि क्या है पिंचिंग, हम क्यों करनी चाहिए पिंचिंग, कैसे करते हैं पिंचिंग, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर कर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बस ये वीडियो आखिर तक देखना है, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तब जाके सारा पिंचिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको इसको इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर की, उनको कल्टीवेशंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के कल्टीवेशंस रहते हैं, उनको कल्टीवेशंस में अदर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस हमें पूरे कल्टीवेशंस में लगती है, मतलब लैंड प्रिपरेशन से लेकर स्टोरेज तक के पॉइंट्स आपको वहां पर एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, एनलिस्ट करने पड़ते हैं। उनमें एक पॉइंट रहता है इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, कि इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, बहुत सारे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, वीडिंग होता है, इरिगेशन होता है, देन उसके बाद अर्थिंग अप होता है, मल्चिंग होता है, पिंचिंग होता है। तो इसमें से एक पॉइंट कौन सा, पिंचिंग, कि पिंचिंग मतलब क्या, क्यों क्या, मतलब केस क्यों करते हैं पिंचिंग, कैसे करते हैं पिंचिंग, ये मैं आपको आज बता देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज पिंचिंग। तो फ्रेंड्स, पिंचिंग, पिंचिंग मतलब क्या, कि पिंचिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रूट्स के क्रॉप्स रहते हैं, एग्जांपल लीजिए आप फ्रूट्स के क्रॉप का, अगर आपने लिया सिट्रस का लिया, तो सिट्रस का क्रॉप लिया तो वो बढ़ने में स्टार्टिंग स्टेज में जो है वो सीधा बढ़ता है, सीधी उसकी ग्रोथ होती है, स्ट्रेट ग्रोथ होती है उसकी। तो स्ट्रेट ग्रोथ से क्या होता है कि हमें स्ट्रेट ग्रोथ से ज्यादातर उसकी मतलब क्वालिटी जो है वो, मतलब उसकी ग्रोथ, ग्रोइंग स्टेज जो है वो स्ट्रेट ही रहेंगी। तो हमें पिंचिंग मतलब क्या, उसका जो टॉप एज है वो टॉप एज कट कर देना, मतलब पिंचिंग। उस स्ट्रेट जो हमारा पौधा है, जो हमारा क्रॉप है, जो हमारा प्लांट है, वो सीधा बढ़ रहा है तो उसके ऊपरी भाग का जो टॉप एज होता है उसे कट कर देना, इसको हम कहते हैं पिंचिंग। तो फ्रेंड्स, इसको हम कट क्यों करते हैं, जब हम इसे कट करते हैं तो इसका क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है वो उसे डायरेक्ट करेगा, इसकी ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, ये फैल जाएगा, सराउंड में फैल जाएगा। उसकी ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा कि उसमें ज्यादा करके फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद ज्यादा करके फ्रूट्स आएंगे, और जो फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, वो क्वालिटी के रहेंगे। मतलब जो हमें स्ट्रेट ग्रोथ हो रही थी, उस स्ट्रेट ग्रोथ से जो है हमें ज्यादा नफा नहीं होने वाला था, क्योंकि स्ट्रेट ग्रोथ हो जाए तो उसमें थोड़े ही फ्लावर आएंगे, थोड़े ही फ्रूट्स आएंगे, इसलिए हमने वो टॉप एज कट कर दिया, जिसे हम कहते हैं पिंचिंग। उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस फैलने लगे, ब्रांचेस बढ़ने लगे उस प्लांट को, उस क्रॉप को, ब्रांचेस आने की वजह से उसके फ्लावरिंग का नंबर बढ़ गया, उसमें ज्यादा फ्लावरिंग आने लगी, देन उसके बाद फ्लावरिंग आई तो उसके बाद फ्रूटिंग ज्यादा आ गई। तो इससे हमें ये फायदा होता है फ्रेंड्स कि इसके हमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज्यादा मिलती है, और क्वालिटी का क्रॉप हमें मिलता है, क्वालिटी का यील्ड इससे मिलता है फ्रेंड्स। तो ये ज्यादातर करके क्रॉप्स में आपको पिंचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, पिंचिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन है, पिंचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या होगी पिंचिंग, द रिमूवल ऑफ टॉप एज ऑफ द प्लांट फॉर द ब्रांचिंग एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज पिंचिंग। द रिमूवल ऑफ टॉप एज ऑफ द क्रॉप, टॉप एज ऑफ द प्लांट फॉर द ब्रांचिंग, फॉर द मोर ब्रांचिंग एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज पिंचिंग। तो ये होगी डेफिनेशन हमारे पिंचिंग की। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, क्या है डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ टॉप एज ऑफ द प्लांट फॉर द ब्रांचिंग, मोर ब्रांचिंग एंड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज पिंचिंग, इसे हम कहते हैं पिंचिंग। तो फ्रेंड्स, ये होती है डेफिनेशन पिंचिंग की। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कल्टीवेशंस में आपको बहुत सारे कल्टीवेशंस में ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, एनलिस्ट करना पड़ता है, इसे एक्सप्लेन मतलब एनलिस्ट करने के बाद इसमें आपको दो तीन सेंटेंस में इसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो
तो आप अगर इसने ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपने आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है सिर्फ, उसको समझ लेना है। समझ लेगे आप तो खुद के मन से भी आप लिख सकते हैं कि क्या उसमें लिखना है, तो आपको समझ में आया होगा पिंचिंग मतलब क्या। आपको टॉप एज कट करना पड़ता पिंचिंग में, क्यों कट करना पड़ता, क्योंकि उसको कट करने से हमारी ब्रांचिंग बढ़ जाती है, ब्रांचिंग बढ़ गई तो उसको फ्लावरिंग ज्यादा आएंगी, फ्लावरिंग आ गई तो उससे फ्रूटिंग ज्यादा आ गई, फ्रूटिंग आ गई तो हमारा यील्ड बहुत अच्छा आ गया, यील्ड बहुत अच्छा आ गया तो हमें बहुत अच्छी मार्केटिंग प्राइस मिलेगी, बहुत अच्छी मार्केटिंग प्राइस मिली तो हमें प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एडवांटेज पिंचिंग का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा ही होगा। तो हमें टॉपिक कैसा लगा आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको अदर कोई टॉपिक समझाकर चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी डाउट्स हो वैसा भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपके यहाँ पर सारे डिफिकल्टीज डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर 100% हेल्प मिल जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऐसे नए नए नॉलेजफुल वीडियो आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, सो इसे विजिट करना मत भूलिएगा, रोज इसको विजिट कीजिए, नए नए वीडियो रोज आ रहे हैं हमारे चैनल पर और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नए पार्ट में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए यही रुकते हैं, थैंक यू।